नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों की दोस्त एंजल हूँ, शक्ति एथना। और जैसे कि अभी मेरा ये 14 हीलिंग प्लेक्सस का वीडियो चल रहा है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ये मेरा 14 हीलिंग प्लेक्सस डीएनए एक्टिवेशन सीरीज है। तो यहाँ पे आप लोग जो है, मैंने जो एक कोर्स किया, तो वो मेरा डेफिनेटली पे करके मैं कोर्सेस करती हूँ ज्यादातर। कभी कभी फ्री कोर्सेस मिल जाता है, तो उसी का मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, ताकि आप लोग बिना कोई शुल्क के ये कर सको, इसका फायदा उठा सको। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही छोटा वीडियो है दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे प्रोक्रिएशन प्लेक्सस के बारे में। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो प्रोक्रिएशन प्लेक्सस है, ये इसका लोकेशन कहाँ है। इसका दोस्तों एक जस्ट एक मतलब एक तो प्योरिफिकेशन का कोड है और एक है फर्स्ट लेवल का कोड। एंड इसके बाद हम जो फेरिंग्स बोलते हैं इसको, फेरिंग्स प्लेक्सस के बारे में बात करेंगे। उसका भी ये दो ही है लेवल, एक लेवल है एक प्योरिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रोक्रिएशन प्लेक्सस। क्या आप लोग देख सकते हैं मेरा कर्सर? देखिए आप लोग, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता, ये दिक्कत है। बट एनी वे, दिस इज द प्रोक्रिएशन प्लेक्सस। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि रूट चक्रा से थोड़ा नीचे, लगभग उसी जगह में, बट थोड़ा सा नीचे। लेकिन ये मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये जो प्लेक्सस होते हैं दोस्तों, ये हीलिंग प्लेक्सस जो होते हैं 14, ये एस्ट्रल बॉडी में होता है, फिजिकल बॉडी में नहीं होता। तो रूट से थोड़ा नीचे आप मान के चलिए, ओके। तो इसका मेन जो इन टोटो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं लोकेशन को, और ये जो मैं अभी दिखाऊंगी, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ओके? छोटा सा है, आप ध्यान से देखिए कि लोकेशन कहाँ है। नेक्स्ट टू द गोनेड्स और टू द नेक ऑफ द यूटेरस, वही है यूटेरस के आसपास। ठीक है, और जो मतलब मेल्स हैं उनके जो मतलब क्या बोलोगे, वो मैं वर्ड भूल गई हूँ, मतलब वो प्राइवेट जो एरिया होता है उसके ठीक नीचे एस्ट्रल बॉडी में होता है। तो इससे इसको प्योरीफाई करके क्या होगा, प्रोक्रिएशन प्लेक्सस को प्योरीफाई करके क्या फायदा मिलेगा, बोलेगे इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म एंड द एग्स। ये तो पुरुषों में उनके जो स्पर्म के काउंट होते हैं वो उसको बढ़ाएगा, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा अल्टीमेटली। एंड महिलाओं में ये जो मतलब एग्स का जो क्वांटिटी होता है, अंडों के जो क्वालिटी या क्वांटिटी होता है, तो उसको वो प्योरीफाई करता है, अच्छा करता है मतलब। तो ये दोस्तों प्रोक्रिएशन प्लेक्सस का ये जो मतलब प्योरिफिकेशन है एंड एक्टिवेशन है, जो भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं या जो भी वाइटल एनर्जी को अपने लाइफ में, क्रिएशन का मतलब बस पेरेंट्स बनना नहीं होता, बहुत सारे क्रिएटिव कामों को भी करना होता है। तो जो व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड में है और जो कपल्स या जो व्यक्ति पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो उनको ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये है प्योरिफिकेशन करने का फायदा। फिर फर्स्ट लेवल का जो, नहीं इसका सेम ही है, मतलब आप लोगों को फर्स्ट प्योरिफिकेशन में बिल्कुल प्योर हो जाएगा, एंड फर्स्ट लेवल का जो एक्टिवेशन करेंगे हम लोग, तो उससे आप लोगों को और भी फायदा मिलेगा, सेम ही फायदा आप लोगों को मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट्स करके रखी हूँ, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल सके, एंड आप भी आराम से अपने मोबाइल में ऐसे खींच सकते हो, थोड़ा आप लोग खींच लो। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोक्रिएशन प्लेक्सस, इसका जो कोड है, 3 times मेरे साथ बोलिए, का नूर से। आराम से बैठिए, खाली पैर रहिए, ग्राउंड में अपना फ्लोर रखिए। इससे पहले एक दो थोड़ा प्राणायाम कर लेना अच्छा है, वो तो दूसरा वीडियो है, मैंने बताया ही ऑलरेडी कि सबसे पहले तो आप लोगों को सॉल्ट बात, स्पिरिचुअल बात लेना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा प्रोटेक्शन ग्रीड करना चाहिए, उसके बाद कैंडल त्राटक मेडिटेशन करना चाहिए, प्रोटेक्शन ग्रीड करना चाहिए, उसके बाद जो भी कोई स्पिरिचुअल आप रिचुअल करना चाहते हो, सेरेमनी करना चाहते हो, वो करना चाहिए। सबसे पहले ये स्टेप तो है ही, मैंने बताया था कि ये अभी जो आप लोगों ने मेरे साथ दोहराया, उसके बाद आप वीडियो प्लीज पॉज कीजिए
ऐसे एक बार स्किप करके मत देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। इसीलिए मैं भी ज्यादा कुछ दूसरा वीडियो ना बना के इसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही, ताकि हर कोई व्यक्ति जो है वीडियो बाय वीडियो ये देख के आराम से अपना एक्टिवेशन करे। तो आप लोगों को वीडियो पॉज करके आफ्टर रिपीटिंग, मतलब 3 बार मेरे साथ दोहराने के बाद आप लोगों को वीडियो थोड़ा स्टॉप करके मेडिटेशन करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। अभी आप मेडिटेशन लाइक दूसरा कोई म्यूजिक इस बीच सुन भी सकते हो एंड नहीं भी सुन सकते हो। और आप लोगों को प्रोक्रिएशन प्लेक्सस का अभी जो मैंने लोकेशन दिया है, थोड़ा यहाँ प्राइवेट पार्ट्स के पास रूट चक्रा के थोड़ा नीचे, वहां पे आप लोगों को अपना फोकस अटेंशन जो है फिक्स करना है 5 मिनट के लिए। वो आप लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद फिर से आप वीडियो में आ जाए और ये पॉज का बटन फिर से एक बार दबा दे और हम अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल का एक्टिवेशन कोड के बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोक्रिएशन प्लेक्सस ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों ने आई होप के वीडियो पॉज किया एंड 5 मिनट का आप लोगों ने मेडिटेशन ब्रेक लिया, मेडिटेशन किया एंड अभी हो चुका है पूरे डीएनए और सेल्स में आपका एक्टिवेशन कोड जा चुका है। जैसे कि क्वांटम साइंस भी मानती है कि आजकल क्वांटम फिजिक्स भी मानती है कि एवरीथिंग इज लाइक नथिंग इज सॉलिड, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। तो तरंग को तरंगे ही, तरंगों के ऊपर तरंगे वाइब्रेशन कंपन ही जो है इफेक्ट करता है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे डीएनए सेल्स के ऊपर ही भी ये जो वाइब्रेशंस है, तरंगे हैं, वो इफेक्ट करता है। तो ऐसे ही ये कोड्स काम करते हैं, साथ में आपका इंटेंशन काम करता है। ओके, सो एक्टिवेशन ऑफ द प्रोक्रिएशन प्लेक्सस फर्स्ट लेवल कोड है शा की यो, शा की यो, शा की यो। प्लीज टेक 3, आप 3 सांसें लीजिए ब्रह्मांड से, पॉज, इनहेल करने के बाद पॉज, एक्सहेल के बाद पॉज। वीडियो पॉज करके 5 मिनट के लिए मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप लोगों का प्रोक्रिएशन प्लेक्सस का प्योरिफिकेशन एंड इसका एक लेवल का ही मतलब एक्टिवेशन होता है, तो वो लेवल का आप लोगों का एक्टिवेशन एंड प्योरिफिकेशन दोनों का हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसी वीडियो को मैं अभी बनाऊंगी इंग्लिश में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज डोंट स्किप। जैसे कि पहले से मैं बता रही हूँ, पहले सेरेनिटी प्लेक्सस का किया, फिर विजनरी प्लेक्सस का किया, राइट, फिर हम लोगों ने अभी क्या किया, प्रोक्रिएशन। तो ये इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे करना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।